रात के ठीक 12 बजे दिव्यांश और मनीषा बाबा भैरवनाथ के ठीक सामने खड़े थे। बाबा आंखें बंद किए कोई विधि कर रहे थे और उनके दो शिष्य उनके दोनों साइड खड़े हुए थे। बाबा भैरवनाथ की जय हो। सुनकर बाबा ने अपनी आंखें खोली और दोनों को देखकर बोले, बैठो, कहो क्या परेशानी है। बाबा, हमारी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम संतान होने की खुशी से महरूम हैं। तुम दोनों से काल देवी नाराज है। तुम्हें उनको प्रसन्न करने के लिए एक विधि करनी पड़ेगी। जी बाबा, बताइए हमें क्या करना होगा। तुझे एक रात तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करनी होगी और तेरे पति को पूरी रात हवन कुंड के सामने बैठकर आंखें बंद किए मेरे द्वारा बताया गया मंत्र जाप करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, हम करेंगे। ठीक है, मैं अभी सारा प्रबंध करवाता हूँ। कहकर बाबा ने अपने दोनों शिष्यों को इशारा कर दिया। कुछ ही देर में दृश्य ये था कि दिव्यांश हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था और मनीषा एक पैर पर हाथ जोड़े खड़ी थी। दिव्यांश, अपनी आंखें बंद करके सुबह तक बिना रुके वो मंत्र पढ़ना जो मैं तुम्हें तुम्हारे कान में बताऊंगा, और मनीषा तुम भी आंखें बंद किए एक ही पैर पर खड़े होकर वो मंत्र सुबह के 5 बजे तक पढ़ती रहना। दोनों एक साथ बोले, जी बाबा जी, हम जरूर करेंगे। लेकिन याद रहे, अगर आंखें खुली तो तुम्हारा फिर कुछ उपाय नहीं हो पाएगा और सारी उम्र निसंतान रहोगे। सुनकर दोनों डर गए। नहीं बाबा, हम अपनी विधि पूरी किए बिना आंखें नहीं खोलेंगे। सुनकर बाबा के मुंह पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसके शिष्यों ने मनीषा और दिव्यांश के कानों में मंत्र फूंका। उसके बाद दोनों आंखें बंद किए हुए मंत्र जाप करने लगे। बाबा ने अपने दोनों शिष्यों को इशारा किया और फिर वो मनीषा के पास गए। उन्होंने मनीषा का मुंह दबाया और उसको उठाकर अंदर गुफा में ले गए, जहां एक डरावनी दिखने वाली चुड़ैल तैयार खड़ी थी। इसको मेरे पास लाओ। चुड़ैल ने मनीषा के सर पर हाथ रखा और देखते ही देखते वो बिल्कुल मनीषा के जैसी दिखने लगी। मनीषा एकदम से बेहोश हो गई और वो चुड़ैल उसकी जगह पर आकर खड़ी हो गई। आंखें खोलो बच्चों, आंखें खोलो, तुम लोगों ने विधि पूरी कर ली है। सुनकर दिव्यांश ने आंखें खोली और सामने देखा तो मनीषा अभी भी एक पैर पर खड़ी थी। फिर उसको देखकर उसने भी आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कान लिए दिव्यांश के पास आई। दोनों ने एक साथ मिलकर बाबा से आशीर्वाद लिया और फिर बाबा ने उनसे घर जाने के लिए कह दिया। ठीक 9 महीने के अंदर मनीषा मां बनने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका पेट देखकर दाई अम्मा भी हैरान थी। उन्होंने इससे पहले किसी का पेट इतना बड़ा नहीं देखा था। जिस रात उसको डिलीवरी पेन शुरू हुआ, दाई अम्मा उसके कमरे में गई। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो दाई अम्मा के चेहरे पर अजीब सा डर नजर आ रहा था। क्या हुआ दाई अम्मा? तुम्हारी बीवी ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। सुनकर दिव्यांश को भी अजीब लगा, लेकिन अब तक निसंतान होने की वजह से उसको खुशी भी हुई। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे तो मनीषा अपने एक बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ लेकर जाने लगी। उसको इस टाइम अकेला जाता देख वहां से गुजर रहे एक आदमी ने उसको देख लिया। इतनी रात गए इस बच्चे के साथ कहां जा रही हो? इस पर मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रास्ते चलती रही। वो आदमी उसका पीछा करने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरा घर एकदम खाली है।
ये सुनकर मनीषा ने अपने कदम रोक दिए और उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराने लगी। तो चलो, मनीषा ने उसको गुस्से भरी निगाहों से देखा और चुड़ैल वाले भयानक रूप में आ गई। वो आदमी चिल्लाया और चुड़ैल ने उसके मुंह पर तेज धार नाखूनों से हमला किया। इस हमले से वो जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल चुड़ैल ने अपने बच्चे को जमीन पर रखा और उसके कान में एक मंत्र फूंका। मंत्र फूंकते ही बच्चा भी भयानक दिखने लगा और चारों हाथ पैरों से उस आदमी की तरफ पड़ने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! जैसे ही उठने को हुआ, बच्चे ने उसका पैर पकड़ लिया और उसकी टांग में अपने दांत काट दिए। वो जमीन पर गिर गया और उस छोटे से दिखने वाले बच्चे ने उसके शरीर से मांस की एक एक बोटी चबा डाली। दरवाजे की आवाज सुनकर दिव्यांश की आंख खुल गई। उसने देखा तो कमरे में मनीषा और एक बच्चा गायब था। इतने में दोबारा दरवाजे की आवाज आई और वो उसे खोलने चला गया। सामने उसको गांव के मंदिर के सिद्ध बाबा खड़े नजर आए। बाबा, आप यहाँ? तुझ पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तेरी बीवी की जगह एक चुड़ैल तेरे घर में आके रह रही है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बता, कहाँ है वो और कहाँ है उस चुड़ैल के पांच बच्चे? बाबा, मेरी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी और मेरा एक बच्चा भी अपनी जगह से गायब है। वो बच्चा आज अपनी जिंदगी का पहला शिकार करेगा, एक इंसान को मारकर उसका मांस खाएगा। सुनकर दिव्यांश बेहद डर गया और बोला, बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं इस परेशानी से कैसे निकलूंगा? कल रात फिर से वो अपने दूसरे बच्चे को लेकर निकलेगी, उसको उसी समय खत्म किया जा सकता है। तू उसको शक भी मत होने देना कि तुझे सब पता है। इतना कहकर बाबा ने उसको कुछ समझाया और फिर चले गए। दिव्यांश ने बाबा की कही बात मानी और चुड़ैल को खबर नहीं होने दी कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। रात के टाइम दिव्यांश आंखें बंद करके बेड पर पड़ा रहा। 12 बजते ही चुड़ैल ने अपने उसी बच्चे को गोद में उठाया और फिर कमरे से बाहर निकली। दिव्यांश भी दबे पांव उसके पीछे पीछे हो लिया। चुड़ैल ने दरवाजे के सामने पहुंचकर एक फूंक मारी और दरवाजा खुल गया, लेकिन सामने सिद्ध बाबा को खड़े देख वो चौंक पड़ी और अपने भयानक रूप में आकर बोली, हट जा बुढ़े, वरना तुझे खत्म कर दूंगी। सुनकर बाबा ने अपने कमंडल से पानी निकालकर उस पर छींटा मारा। पानी के छींटों से उसका शरीर जलने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वो बच्चा भी उसकी गोद से छूट गया और वो बहुत ही भयानक दिखने लगा। बच्चे और चुड़ैल का भयानक रूप देखकर दिव्यांश की चीख निकल गई और वो भागकर बाबा के पास पहुंचा। इसको शक्तियां उस रात तुम्हारे द्वारा की गई विधि से प्राप्त हुई थी, तुम ही इसको खत्म कर सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कहकर वो दिव्यांश पर झपटी और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। दिव्यांश उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपने तेज नाखूनों से उसके चेहरे पर और शरीर पर खरोंचे लगाने लगी। दूसरी तरफ उस बच्चे ने भी बाबा के ऊपर हमला बोल दिया था, लेकिन बाबा खुद को संभालते हुए बोले, दिव्यांश, जो मंत्र तुमने उस रात पढ़ा था उसको उल्टा पढ़ो और जब तक पढ़ते रहो तब तक ये खत्म ना हो जाए। नहीं, नहीं। सुनकर दिव्यांश अब उस मंत्र को उल्टा पढ़ने लगा जो उसने उस रात को पढ़ा था।
चुड़ैल ने दिव्यांश को और उस बच्चे ने बाबा को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन दिव्यांश जोर जोर से उस मंत्र को पढ़ता रहा तो इससे उन दोनों की शक्ति खत्म होती रही। आखिरकार वो चुड़ैल बहुत ही कमजोर हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। वो बच्चा भी बेजान हो गया। उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दी। दिव्यांश और बाबा दोनों मिलकर उन दोनों की लाश को बाहर लेकर गए और कार से पेट्रोल निकालकर उनमें आग लगा दी। फिर दिव्यांश बाबा के साथ भैरवनाथ के पास पहुंचा। बाबा को देखते ही भैरवनाथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तू यहां कैसे आया? तूने बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर ली भैरवनाथ, अब इस गांव को छोड़कर चला जा, वरना तेरा हाल मैं क्या कर सकता हूँ तुझे पता है। बाबा की बात सुनकर तांत्रिक अपने दोनों शिष्यों के साथ वहां से भाग गया। फिर बाबा उसकी गुफा में गए जहां मनीषा बेहोश पड़ी थी। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा तो वो उठ खड़ी हुई और सामने दिव्यांश को पाकर कस के उसके गले लग गई। बाबा, बाबा हमारे बाकी के चार बच्चों का क्या होगा? क्या वो भी शैतानी बच्चे हैं? नहीं, अब उस चुड़ैल का असर खत्म हो चुका है। अगर उन बच्चों में से कोई इंसानी मांस चख लेता तो वो हैवान बन सकते थे, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो। सुनकर दोनों खुश हो गए और फिर बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल दिए।